Hello students, I am going to teach you models for class 9 and 10th part 1. इस मॉडल को हम शुरू कर रहे हैं भाग से. ये भाग की जो पेड़ है वो बहुत विशाल है, तो इसको सॉर्ट किया गया है कि स्ट्रक्चर के अनुसार दो प्रकार के घटक भाग होता है, वो ऑक्सिलरी भाग और प्रिंसिपल भाग. इस ब्रांच पे हमें नहीं जाना है, किस ब्रांच पे हमको जाना है, जिस ब्रांच से फॉलो कर उसी को खाना है. तो ये ऑक्सिलरी भाग है जो दो प्रकार का होता है, एक प्राइमरी ऑक्सिलरी, दूसरा मॉडल भाग. मॉडल्स का डिफिनेशन एक सामने दिया गया है कि मॉडल्स आर द ऑक्सिलरी दैट ऑलवेज डू द फंक्शन ऑफ ए हेल्पिंग भाग. मॉडल्स वो ऑक्सिलरी भाग है, सहायक क्रिया है, इसका प्रयोग हमेशा जो वो सहायक भाग के रूप में यानी हेल्पिंग भाग के रूप में किया जाता है. तो इस मॉडल्स को देख रहे हैं कि ये मॉडल्स जो है वो दो प्रकार का आता है, वो सेमी मॉडल्स है और दूसरा पूल मॉडल्स. ये जो पूल मॉडल्स है उसके अंतर्गत कैन, कूड, मे, माइट, सेल, सूट, व्हील, मूड, मस्ट और ऑट टू आता है. तो ये जो पूल मॉडल्स कहा गया है, पूल मॉडल का प्रयोग जो होता है, जो यहाँ बताया गया है कि हमेशा है, जो ऑलवेज है, उस ऑलवेज के लिए आपको क्या किया गया है, हमेशा इसका जो प्रयोग होता है वो हेल्पिंग भाग के रूप में होता है. लेकिन यहाँ जो डिफिनेशन दिया गया है उसका अपवाद भी है, उस अपवाद में जो आता है उसको हम लोग सेमी भवन में रखते हैं. सेमी भवन के अंतर्गत क्या क्या आता है, वो डेयर है, नीड है, यूज टू है. तो इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने की कोशिश की जा रही है, आप उसे समझने का प्रयास करें कि क्या है वो सेमी मॉडल. तो यहाँ एग्जाम्पल है, हाउ डेयर यू टू टच मी, तुम्हें मुझे छूने की हिम्मत कैसे होगी, ये क्वेश्चन है. तो ये क्वेश्चन है, दूसरा क्या दिया गया, वो आई नीड योर हेल्प, मुझे तुम्हारी आवश्यकता है. तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल है ये डेयर का प्रयोग है वो मॉडल्स के रूप में किया गया है, जो ठीक लागन किताब है. और ये जो नीड है, इस नीड का प्रयोग मेन भाग की तरफ किया गया है, ना कि मॉडल्स के रूप में. इसी को हमने जो क्रॉस करके दिखा रहे हैं, यानी डेयर और नीड जो है दोनों का प्रयोग है वो मेन भाग के रूप में भी होता है और मॉडल्स के रूप में होता है. जब इन दोनों का प्रयोग, डेयर और नीड का प्रयोग क्वेश्चन वाले सेंटेंस में या नेगेटिव सेंटेंस में होता है, तो ही वो मॉडल भाग का जो कार्य कर सकता है. अन्यथा अगर वो सिंपल सेंटेंस में आता है, अगर नेगेटिव नहीं है यानी अफर्मेटिव में आता है, तो वो मेन भाग का काम करता है. यानी ये दोनों ही काम करता है, इसलिए उसको सेमी रखा गया. दूसरा तीसरा है वो यूज टू. इस यूज टू का प्रयोग जो होता है वो हमेशा पास्ट टेंस में किया जाता है. इसका विस्तृत जानकारी जब इसका रीजन बताएंगे उसमें जब वो क्लियर हो पाएगा. अब आते हैं यहाँ कि ये ऑक्सिलरी का दो ब्रांच हो गया, दोनों ब्रांच अलग अलग हो गया. एक ब्रांच को देखो प्राइमरी कहा गया, दूसरा देखो मॉडल्स कहा गया. भाई ये आखिर इसमें क्या गुण है जिसको अलग अलग करता है, क्योंकि एक ही पेड़ डबल ब्रांच ही होता है. तो इसको जरा समझें कि ये जो प्राइमरी और द्वितीयक होता है, इसमें ई एम आर वाई वेयर प्रयोग किया जाता है. तो ये जो प्राइमरी और ऑक्सिलरी में जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि ये जो प्राइमरी और ऑक्सिलरी का जो फंक्शन होता है वो डबल होता है. डबल होता है उसी में है एग्जाम्पल के रूप में बताया गया है समझने के लिए कि राम इज ए बॉय. यहाँ राम इज ए बॉय है, यहाँ राम इज रीडिंग ए बॉय, दोनों में ही इसका प्रयोग किया गया है. अब दोनों जगह जो है उसको अगर देखें तो यहाँ जो ऊपर वाले ईच आया है उस ईच के बाद कोई मेन भाग नहीं है, यानी मेन भाग की अनुपस्थिति अनुपस्थिति में ये ईच जो है वो मेन भाग का काम कर रहा है. वो यानी जो वैसे और यदि जो मेन भाग की अनुपस्थिति में मेन भाग का काम करे वो प्राइमरी और जरूरी करता है. इसको हम दूसरा नाम जो होता है वो उसको हम लेक्सिकल भाग कहते हैं. दूसरा जो है वो हेल्प कर रहा है कि ये जो रीड
इसका एग्जांपल है वो ई कैन लर्न इंग्लिश। तो यहां जो बताया गया ये कैन जो है हेल्पिंग वर्ब है, वो ये लर्न का है, वो हमेशा जो है वो मॉडल के बाद का भी वांट के रूप में आता है, ये भी वांट के रूप में आ गया। सिंपल यहां है इंग्लिश के एग्जांपल ये जो हो रहा है, तो ये सुन लिया क्या है वो मॉडल हो गया और के एग्जांपल एक्सटेंशन जो है वो वर्ब हो गया। ओके सो आई विल टीच यू द आइडिया ऑफ मॉडल्स इन नेक्स्ट डे। थैंक यू वेरी मच।